सुने वो सुंदरी ते कैसे अड़ी, सुने वो सुंदरी ते कैसे अड़ी, समझ गए मोरे बाप। मोरे भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ, मोरे भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ। सुनले वो सुंदरी ते कैसे अड़ी, सुनले वो सुंदरी ते कैसे अड़ी, समझ गए मोरे बाप। मोरे भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ, मोरे भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ। तोला सुनावा तोरे बन के बनो का, अवध के रानी ते बन जावे मिले हवे सुगर मौका। सुले वो सुंदरी मैं तोला सुनावा तोरे बन के बनो का, अवध के रानी ते बन जावे मिले हवे सुगर मौका। सुले वो सुंदरी मैं तोला सुनावा तोरे बन के बनो का, अवध के रानी ते बन जावे मिले हवे सुगर मौका। सुनले वो सुंदरी मैं तोला सुनावा तोरे बन के बनाओ का, अवध के रानी ते बन जावे मिले हवे सुगर मौका। भावर गिजर बे ते रानी बन बे, भावर गिजर बे ते रानी बन बे, कर बे अवधपुर मरा। मोरे भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ, मोरे भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा सबो की बिगड़ी बनैया, ओकर चरण के मैं अनुरागी भैया के सेवा करैया। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा सबो की बिगड़ी बनैया, ओकर चरण के मैं अनुरागी भैया के सेवा करैया। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा सबो की बिगड़ी बनैया, ओकर चरण के मैं अनुरागी भैया के सेवा करैया। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा सबो के बिगड़ी बनैया, ओकर चरण के मैं अनुरागी भैया के सेवा करैया। मोर संग मरे बे गजब दुख पावे, मोर संग मरे बे गजब दुख पावे, मन मधले मोर बा। मोर भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ, मोर भैया यावतपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ। कर दासा राम बजो सिया रामा, पराधीन नहीं तोर सुपासा राम सिया बजो रामा।
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा रामा भजो सिया रामा जो कछु करहिउ नहीं सब छाजा रामा भजो सिया रामा सुन सुंदरी मैं उन कर दासा राम भजो सिया रामा पराधीन नहीं तोर सुपासा राम सिया भजो रामा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा राम भजो सिया रामा जो कछु करहिउ नहीं सब छाजा राम भजो सिया रामा भावर की जर पे तेरा नी बनवे भावर की जर पे तेरा नी बनवे करबे अवधपुर मरा मोरे भैया अवधपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ मोरे भैया अवधपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ मोरे भैया अवधपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ मोरे भैया अवधपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ मोरे भैया अवधपुर के राम सो जाके बिहा करा ले आ मोरे भैया अवधपुर के राम सो जाके चंद्र की जय। ये दुनिया हजुआ खाना है जी हजुआ खिलैया के बड़ भीड़ है भीड़ है काकर पासा परत है किसन काकर बड़का तकदीर है तकदीर है काम क्रोध मद लोभ मोह चारों ज्वारी चंडाल है चंडाल है चारों के चपेट मजे झनियाई तेज जगमा कंगाल है कंगाल है गर्भ के गुल कपट के कौड़ी पुण्य के पासा तामस के तास है तास है ईट बन के जिन बैठिच परमा तेकर सत्यानाश है नाश है जस के बाजी जीत के कोनो जाथे गठरी पोटारे पोटारे गर्म के कोनो करोड़ लुटा के जाते मुह उथारे उथारे स्वार्थ बर सकेलत है परमारत बर पासा फेंकत है फेंकत है कोनो एही डहर के नभु ही डहर के खड़े तमाशा देखत है राम भजन मा चेत नहीं है उमर गवाए अड्डामा अड्डामा पान के नाला हुकुम के दहला सुटला आही नरक के गड्ढामा गड्ढामा फरमा पुलिस के छापा पर गे सकेल बटोर नहीं पाए ते पाए ते आखी मुदागे रद्दा छेकागे भागे बर अंजोर नहीं पाए ते पाए ते बांध के मारत पिटा चपरासी लेगे तोला कचेरी माँ कचेरी माँ लीलू राम कतेक बड़ अलहन होगे पांच मिनट के देरी माँ पांच मिनट के देरी माँ लक्ष्मण हर प्रभु श्री रामचंद्र जी हर बेजिस प्रभु श्री रामचंद्र जी हितो न लक्ष्मण डहर पुनी फिरी राम निकट सो आई प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई सुरपना कहत न सोची ये मन अच्छा बोला तीन नाचना चावा थे बड़े है छोटे डहर भेजते छोटे है बड़े डहर ता ये जिन बड़े राजकुमार है तो न विवाह तो कर ली लेकिन एक समस्या बतावत है काबर की ओकर पत्नी हवे है अगर कहीं मैं वाला समाप्त कर दूं तो निश्चित रूप से वो मोर कर विवाह करी ऐसे विचार करके सुरपनखा है तो बड़ा भयानक रूपला अपन असली रूप में भर ऐस प्रभु श्री रामचंद्र जी देखे इस कथे ये देखे ना ये दे मैं कहत रहे हूँ कि है कोई राजकुमारी नो है जंगल के राक्षसी माया है के ये दिखे ना यह कथे की सुंदरी देख ये तो भगवान के चरित्र है भैया अचका बेरले वाला सुंदरी नहीं कही और जब वो असली रूप में ऐस ना तब सुंदरी कही कथे की सुंदरी एक काम कर तय है ना लक्ष्मण डहर जा मैं है ओला समझावा था ओ हतोर कर विवाह कर ही देख भाई कथे नहीं 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 मैं ओला चेताए नहीं रहूं ना तेकर स्थिति वह आना कानी कतरी से है अब मैं ओला समझा देवा था तय ओकरे डहर जा ताए दे मैं बैठे हूँ तेजने में प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे रहा है अब वो दूरी हम लक्ष्मण जी बैठे है तो सुरपनखा है तो उन्हें लक्ष्मण डहर वर्गीस प्रभु श्री रामचंद्र जी है तो उन्हें इशारा कर दी हाँ इशारा कृष्णा ये देखे एकर मतलब होते का
चार वेद, हाँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ। सामवेद, अथर्वेद, और वेद याने होते श्रुति, हाँ। और श्रुति याने होते कान, और ऐसे ऊपर हाथ लकरीस, हाँ। तो यह आकाश की संज्ञा है, और आकाश मतलब नाक, बस ऐसे हाथ ल ऐसे इशारा कर दी, कट मट करना है। लक्ष्मण जी महाराज हर समझ गए, गुरु जी सुगेरी से अपन सवाल लेके, एकर सवाल है गलत है, कट मट करे वर कहा है। अरे वही लक्ष्मण है भैया, जिन लक्ष्य के बात जान डर थे ओकरे नाम लक्ष्मण, जिन शत्रु मन के हनन करने वाला है ओकर नाम शत्रुहन, जिन भगवान के भक्ति में निष्ठी रत रही ओकर नाम भरत, और जेकर नाम ले ले हमला राम मिलते ओकर नाम राम। लक्ष्मण जी महाराज समझ गए, सुरपनखा है तीर मगीस, और जाय के बाद में लक्ष्मण है तो उनके हिस की बैठ बैठ बैठ, अरे अत्य अत्य कावर घुसाए है, अरे मैं तो कर विवाह करी हो ना भाई, भैया डहर ने बोला आज्ञा नहीं मिली रीचे, बस में ओकर आज्ञा के इंतजार में रहे हैं, अब वो हम बोला आज्ञा दे दी, मैं तो कर विवाह करूँ, लेकिन का करवे हमर रघुकुल के ना अरबों का नियम है, और हर समाज के हर जाति के अलग अलग नियम रथे विवाह, तो हमर रघुवंशियन अड़बड़ कर नियम है, अगर अड़बड़ कर नेंग है, सबो नेंग है जंगल में तो नहीं बने, लेकिन फिर भी मोर और माला ये दुठन तो जरूरी है, ता मैं मोर और माला की व्यवस्था करता हूँ, फिर मैं तोड़ कर विवाह करूँ। ऐसे कही के लक्ष्मण जी महाराज हरगिस और अति पाश नाम के पाना ला टोर के ले, अति पाश नाम के पाना जानथस नहीं जानस ना, हाँ जैसे सैगोन के पाना बड़े बड़े रहते ना, बस उसने अति पाश नाम के पाना जेकर तीर है इसे बड़ा धारदार रहते, वही ला गोलवा काठा असन मोर बने, और बनाए के बाद में सुरपनखा के मुड़ में रखीस, और रखे के बाद में जोर से दबा दी, एक साथ सुरपनखा के नाक और कान दोनों हक कट गए। अब कोनो कोनो संत मन बताते कि लक्ष्मण जी महाराज है सुरपनखा के नाक कान ला तलवार में काटिस के, अरे रामायण है विचार के बात है, विचार के देखना है हमला भाई, पहली ये कान ला काटी, ओकर बाद में ये कान ला काटी, तेकर बाद में नाक ला काटी, तो एक कान ला काटे के बाद में सुरपनखा बैठे रहेगा, रायहू कान ला काटन दे और यहू नाक ला काटन दे, तेकर बाद में कोहा भागा दे के, वो तो एक ठन कान ला काटी चोत के मत दे रहे चंडाल है बिहाव करियो कहा थे, और नाक कान ला काटा थे कही के, तो ये अति पाश नाम के पाना के द्वारा नाक और कान है तो ना कट गए। गोसाई जी महाराज बताइस, लक्ष्मण अति लांघवसो नाक कान बिन किन्हे, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन, मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण जी महाराज फूर्ति के साथ में सुरपनखा के नाक और कान ला काट दिए, काबर प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन ज्ञान के प्रतीक है, लक्ष्मण जिन वैराग्य के प्रतीक है, सुरपनखा है तो न वासना के प्रतीक है, तो जिन संत है जिन ज्ञानी है वो वासना ला पसंद करते का नहीं करे, और आज सीधा आए है वह, और आगे कहा था मोर्शन विवाह कर, प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि लक्ष्मण एकर नाक कान लकार दे, ताकि हमार बेटी बहनी मनला शिक्षा मिल जाए, उद्देश्य मिल जाए, कि आज के बाद विष्णु दुसाहस झन करे सके, अरे विवाह करना है तो अपन ले बड़े बुजुर्ग ला भेजती, अगर घर में कहूँ बड़े बुजुर्ग नहीं हुई तो भैया भौजी ला भेजती, भैया भौजी भी नहीं हुई तो अड़ोसी पड़ोसी ला भेजती, लेकिन खुद ही आके कहा थे जेकर नाक कान लकार दे, जेकर से दुनिया वाले मनला शिक्षा मिल जाए। ए प्रकार से भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर उद्देश्य सुंदर शिक्षा हम कल जो प्राणी मंडल मिलते।